हमारे साथ भोजपुरी आर्टिस्ट यानी अंतरा शर्मा मौजूद हैं। यानी भोजपुरी में काफी एक कलाकार के यानी एक्टर के वीडियो वायरल हुआ है, इस पर मैं एरेक्शन लूंगा। क्या आप उस वीडियो के आप देखे थे जो मधु का वीडियो वायरल हुआ था? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरा, मैं एक्ट्रेस अंतरा शर्मा। और मैंने वो वीडियो एक्चुअली देखा नहीं, काफ़ी सारे लोग ने बोला कि जो आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री की मॉडल है मधु त्रिषा कि उनका वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा, फोटोज वायरल हुआ आपने देखा। तो मेरा मतलब कि मैं शूट पे इतना बिजी रहती हूँ कि मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता अपना वीडियो देखने का, तो मैं क्या दूसरे का वीडियो देखूंगी। नहीं देखा आप? थोड़ा सा भी नहीं देखा? नहीं, वीडियो मैंने थोड़ा काफी अश्लील था, काफी अश्लील भी था इसलिए। और मुझे बोला भी देखने के लिए तो मैंने गौर नहीं किया, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में आ करके कुछ भी मतलब गंदा करे या गंदा चीज। ये अच्छा बात है कि गलत है? बिल्कुल अच्छा बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मुझे भी जब भी लोग बोलते हैं, अभी क्या है कि सभी लोग मुझे जब भी मैं शूट पर जाती हूँ तो काफ़ी लोग लगभग लोगों को मुझे सुनने को मिलता है पटनिया ऐसा हो खेली, भोजपुरी के मॉडल सन ऐसा हो खेली। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, अगर तालाब में एक मछली गंदी है तो सभी तालाब को आप गंदा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कलाकार है और कलाकार पानी जैसा होता है। कलाकार का कोई रंग नहीं होता है, जिस रंग में उसको ढालिए वो ढल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ब्लेम आप लोग एक आर्टिस्ट के चलते सभी को लगा रहे हैं, सभी को सोच रहे हैं कि हाँ ये भी ऐसी होगी, तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैडम, सभी लोग करता है, आप भी करती हैं, हम लोग भी करते हैं, ये सब लोग अश्लील काम करता है, लेकिन एक पर्दा में होना चाहिए। जी बिल्कुल, पर्दा में होना चाहिए ऐसी चीजें। आपका निजी जिंदगी जीने का, निजी जिंदगी सभी की होती है, मेरी भी है। आप कोई वीडियो शूट करके वायरल करता है तो गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, ये हर इंसान कोई करता है, ये सही है, लेकिन वीडियो वायरल नहीं करना। क्या इस वीडियो पर क्या आपत्ति है आपको, क्या सोचती है? ये वीडियो तो देखने लायक नहीं है, आपत्तिजनक तो अब वीडियो है, शर्मनाक है, जो कि फैमिली के साथ तो क्या मतलब, अपने अकेले भी रहे हम तो नहीं देखेंगे, क्योंकि लोग के मुंह से सुनते हैं, काफी एक्ट्रेस लोग सब, बहुत सारे लोग के मुंह से। एक अच्छी अदाकारा थी वो? जी अच्छी थी, मुझे उसका डांस भी अच्छा लगता था, मधु का। आपका साथ में काम की थी? जी मेरे साथ भी काम की है और मुझे अच्छा लगता था उसका एक्ट, लेकिन उसने क्यों किया ऐसा, इसलिए कि आई डोंट नो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक लड़की होकर, आर्टिस्ट बाद में है, आप पहले लड़की हो। भोजपुरी बदनाम हो रहा है मैडम जी, भोजपुरी बदनाम, ये सारी आर्टिस्ट के साथ, सेलिब्रिटी के साथ काम की है। देखिए भोजपुरी क्या है कि दाग लग रहा है। देखिए भोजपुरी का तो कोई माँ बाप नहीं है, पहली बात, भोजपुरी तो एक भोजपुरी है मातृभाषा, जहाँ अभी मैं काम कर रही हूँ भोजपुरी माटी में, अभी मैं खड़ी हूँ, तो भोजपुरी का कुछ नहीं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों ने क्या है कि भोजपुरी जो नाम है ना उसको बदनाम कर दिया। आपसे बात होता है? मुझसे बात पहले होती थी, तो मैंने आजकल बात करना बंद ही कर दिया, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मैं किसी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखती हूँ, फोन लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि बिना मतलब का कुछ मैं बात करूँ या कुछ भी। क्या लगता है कि ऐसा किसी को वीडियो ना वायरल हो, अब क्या आप करना चाहते हैं? ऐसा वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए, अगर आप कुछ भी। ये तो बनाने वाला दोषी है मैडम, ये तो मधु और जो साथ में है उनका हस्बैंड, दोषी है, उनका तो कार्रवाई होना चाहिए। मैं इस मैटर पे क्या बोलूं अब, क्यों नहीं खुल कर बोलना है, ताकि आगे से कोई भी मॉडल के साथ ऐसा ना हो। सजा मिलनी चाहिए, गलती की सजा मिलनी चाहिए, मैं इतना बोलूंगी। और सभी को जीने का हक है, जीने का अधिकार है, हम फोर्स नहीं कर सकते कि आपको आपके साथ ऐसा होना चाहिए, उनके साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम तो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। अब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के बारे में क्या बोल सकता है, बस यही बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, उसको रियलाइजेशन हुआ तो माफ़ कर देना चाहिए आगे। वो फोन रिकॉर्ड में बोली है कि हमको तो गलती का सजा मिल गया, लेकिन जो किया है उसको गलती का सजा मिलना चाहिए, जो वीडियो वायरल किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने वायरल किया है। सबसे बड़ा बात तो है कि वीडियो बनाना नहीं चाहिए था, और जिसने सबसे बड़ा बात, वीडियो ना बनता ना वायरल होता, और जिसने वायरल किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। कुछ मालूम है आइडिया कि मधु के फोन से हुआ है कि किसी और से? मुझे तो इतना मालूम नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि मधु के फोन से ही वायरल हुआ है, तो ज़्यादा तो मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं भी
ऐसे बैठे रहते हैं। किसी के पर्सनल मोबाइल से वीडियो कैसे डाल सकते हैं? आप अपने फोन में भी लॉक लगा कर रखती हैं? बिल्कुल, मैं लॉक लगा के रखती हूँ। मेरा बॉय भी रहता है तो भी मैं उसको बोलती हूँ कि फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह जो भी क्लिक करना है तुमको साइलेंट करके, अब ऑप्शन आता है। पर्सनली फोन में किसी को यूज करने नहीं देती, ना ही आज के डेट में कोई करने देता है। तो क्या लगता है कि लोग वायरल किए हैं या फिर खुद वायरल किए? इस मैटर पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि एक लड़की होने के नाते मैं तो यही सोच समझती हूँ कि एक लड़की कैसे कर सकती है। अगर वो कर सकती है तो वो लड़की नहीं है, लड़की के नाम पे कलंक है। बिल्कुल। आपका तो अभी शादी हो गया है कि नहीं? जी अभी मेरा नहीं है। चलिए, ये गलत बात है कि वीडियो वायरल होना नहीं चाहिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थी अंतरा सिंह शर्मा।